सनातन धर्म में माता की आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे तो 12 महीने ही माता रानी की कृपा बरसती है, लेकिन अगर नवरात्रि में माता का पूजन किया जाए तो विशेष लाभ मिलता है, वह मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें गौर माता की पूजा की जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार 9 अप्रैल से चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य की देवी है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दंपतियों को इस दिन सच्चे मन से माँ के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानेंगे कि स्कंद माता की पूजा कैसे करें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात्र रूपेण न संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक जो देवियों की आराधना होती है, प्रथमम शैलपुत्रस्य द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, यानी 5वें नंबर पंचमी पे जो माता है स्कंद माता, कुमार कार्तिकेय की माता, जिन्होंने कार्तिक स्वामी का लालन पालन किया और इतना सक्षम कर दिया कि उन्होंने तारकासुर का वध किया, ऐसी माँ जगज्जननी सबकी झोली भरने वाली स्कंद माता हैं। स्कंद माता को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीला चंदन मस्तक पर धारण करें, माता का पीला ही आसन का कपड़ा बिछावें और पीले चावल भगवती को अर्पित करें, केले का प्रसाद और खीर में केसर डाल के उसका प्रसाद लगावें, 5 कन्याओं को प्रसाद या हो सके तो भोजन करावें, उसके बाद प्रसाद वितरण करें और माता से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी मैया, आप सबकी झोली भरती हो, हमारी भी झोली में हमारी गोद में संतान की भिक्षा दें या हमें भी संतान की प्राप्ति करावें। माँ जगत जननी का स्वरूप, स्कंद माता का स्वरूप ऐसा है कि उनकी गोद में कुमार कार्तिकेय विराजमान हैं, सो उनके दर्शन मात्र से ही, उनसे प्रार्थना करने मात्र से ही जो व्यक्ति है, जो स्त्री है वह माँ का सुख, जो पिता है वह पिता का सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसी माँ जगज्जननी की आराधना करना चाहिए और उनका एक मंत्र है श्री स्कंद मात्रयै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं और स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हैं। पीला आसन धारण करें, पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री स्कंद मात्रयै नमः। इस विधि से यदि कोई भगवती पराम्बा स्कंद माता का पूजन करता है तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय जगदम्बे।